बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 28 रबी अव्वल है 1442 हिजरी, 14 नवंबर 2020, बरोज़ हफ्ता सैटरडे। दोस्तों, आज की पहली खबर की इब्तदा हम एक दुखदायक खबर से कर रहे हैं। हैदराबाद के मशहूर मारूफ कॉमेडियन जो है कई साल से 30-35 साल से जो है अपनी कॉमेडी का सिक्का जमाए थे, गुलाम सुबानी साहब, उनका जो है इंतकाल हो चुका है और वो दिड़मत वाले ड्रामे में काफ़ी मशहूर हुए थे और वो जो है हामिद कमाल साहब के जो है साथ काम करते थे और कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जी टीवी में, स्टार में आप जो है बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम किए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनकी खबर को नूर से भरे, इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और तमाम आलम को अल्लाह ताला हिदायत के नूर से मालामाल करे, आमीन। दोस्तों, जिद्दा के अंदर 9 इलाक़ों में पानी बंद रहेगा, पानी की सप्लाई बिल्कुल बंद रहेगी और ये पीर 16 सितंबर के दिन से शुरू हो जाएगा 5 दिन तक, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे जो इनकम्प्लीट काम है, जैसे ब्रिज बनाना है या नई पाइपलाइन डालना है, ये सब काम हो रहे हैं। सऊदी अरब में जिद्दा कमिश्नरी ने कहा है कि सारी स्ट्रीट और किंग फहद रोड चौराहे का काम मुकम्मल करने की वजह से 5 रोज़ तक जिद्दा के 9 मोहल्लों के लिए पानी की सप्लाई बंद रहेगी। अखबार 24 के मुताबिक जिद्दा कमिश्नरी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि पीर 16 नवंबर से 5 दिन तक 9 मोहल्लों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अरबी का जो मैसेज है वो। बंदिश की वजह ये बताई जा रही है कि सारी स्ट्रीट और किंग फहद रोड चौराहे का पुल मुकम्मल किया जाएगा और पानी की पाइपलाइन का निज़ाम भी तैयार किया जाएगा। बयान में तमाम सार्फिन से कहा गया है कि वो पानी की बंदिश के बाद एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। अगर आपके पास बैरल वगैरह है तो उसमें पानी भर के रख लीजिएगा। दोस्तों, अब आप होशियार हो जाए, सावधान हो जाए, बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाए, क्योंकि अब इस वक्त जो है नया सिस्टम जिद्दा रियाद दमाम में आ रहा है मरूर का, ट्रैफिक पुलिस का, जहाँ पे 300 से 500 तक का फाइन आ सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और राइट में ले रहे हैं तो राइट में लेने से पहले अगर आप देखें नहीं डिस्टेंस कम हुआ तो ये मसला हो सकता है। आप राइट जाए या लेफ़्ट जाए, गाड़ी का डिस्टेंस बराबर मेंटेन होना चाहिए और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान भी डिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी आप एहतियात से गाड़ी चलाए। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का जो है प्रिपरेशन हो रहा है। आप सावधान रहे, आप सुरक्षित रहे, यह आपकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द एक नया सिस्टम मुतारिफ करा रहा है तमाम सऊदी अरब के लिए। सिस्टम का नाम है आयरिस रिकॉग्नाइजेशन बायोमेट्रिक सिस्टम। ये जो है हर पोर्ट पे रहेगा, सी पोर्ट पे रहेगा, एयरपोर्ट पे रहेगा, बस अड्डे पे रहेगा, हर जगह रहेगा। ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि इससे कोई भी आदमी बच नहीं सकता और ये इलीगल लोगों को रोकने के लिए, ख़ास तौर से इलीगल लोगों को रोकने के लिए बनाया गया है और ये जो है आँखों को देख के जो है पूरा आपका नक्शा बता देता है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि ये जो है हर इंडिविजुअल की आँख को, हर एक की अलग अलग आँखों का ये जो है चेक करता है आँखों को और आँखें देखने के बाद ये फौरन अपनी रिपोर्ट दे देता है। ये फिंगरप्रिंट सिस्टम से भी अच्छा है। फिंगरप्रिंट सिस्टम आपको पता है, हम एक उंगली रखें या हाथ रखें या दो उंगली रखें, जैसा भी रखें, वो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, इकामा नंबर, सारा कुछ दे देता। तो ये उससे बेहतर सिस्टम है। एक्सपर्ट की राय ये है कि ये उससे बेहतर सिस्टम है और एक ज़बरदस्त सिस्टम है और ये अब तक का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। शुरू में ये कैमरे के ज़रिए से रिकॉर्ड होगा, बाद में ये ऑटोमेटिक जो है खुद कर आलात के ज़रिए से आपका ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन ले लेगा। एक ये ज़बरदस्त अपने आप में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अद्भुत टेक्नोलॉजी है, क्योंकि सिर्फ
चंद सेकेंड्स के अंदर ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा।